हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो. माई सेल्फ एस के डिगरवाल. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक टू अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन के बारे में अपन ने पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया भी था पार्ट फर्स्ट के अंदर. और एंजाइम इनहिबिशन की कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जो एंजाइम के साथ बाइंड हो और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो, वो सभी मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट्स या सभी जो लिगेंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं. अब जनरली अपन देखे थे कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो दो प्रकार के थे. एक तो ऐसे इनहिबिटर्स जो एंजाइम के साथ टाइट रूप से बाइंड होते हो या कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हो, उसे तो अपन कहते हैं इरिवर्सिबल प्रकार के इनहिबिटर्स. दूसरे प्रकार के ऐसे कोई इनहिबिटर्स हो जो एंजाइम के साथ वीक इंट्रैक्शन के साथ नॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ में बाइंड होते हो तथा कुछ टाइम के बाद में वो उस एंजाइम को छोड़ देते हैं तथा एंजाइम अपनी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो उस प्रकार के जो इनहिबिटर्स हैं वो इनहिबिटर्स सेकेंड प्रकार के हैं, जिसे अपन कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हैं बाइंड टू एंजाइम बाय वीक इंट्रैक्शन बाय वीक बॉन्ड, या फिर अपन इसको कहें नॉन कोवलेंट लिंक. नॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ में बाइंड होते हैं. जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो इनहिबिटर्स को क्या कर सकते हैं, अपन रिप्लेस कर सकते हैं. इनहिबिटर्स रिप्लेस्ड, इनहिबिटर वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि वीक इंट्रैक्शन के साथ में है और दोनों जो हैं सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों जो हैं वो क्या है, सेम लिगेंड है, सेम मॉलिक्यूल है, उनकी आकृति जो है या उनकी जो शेप साइज है वो कैसी होती है, सेम होती है. इसलिए दोनों जाकर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पर जाकर बाइंड हो सकते हैं. तो ये इसके बारे में था रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को अपन तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आ जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इसके नाम से ही है कि कोई भी जो इनहिबिटर होगा वो कॉम्पिटिट करेगा, और कॉम्पिटिट किसके साथ में करेगा, एंजाइम के साथ बाइंड होने वाले सबस्ट्रेट के साथ. तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, वो उसके साथ में कॉम्पिट करेंगे और एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर क्या करते हैं, बाइंड होते हैं. सेकेंड टाइप का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसके नाम से भी हैं नॉन कॉम्पिटिटिव. दैट मीन्स कि ये जो इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं हो पाते हैं. एक्टिव साइट पर एंजाइम के बाइंड नहीं हो पाते हैं तो ये डायरेक्ट कॉम्पिट नहीं करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव है. इसका मतलब एंजाइम की जो अदर सरफेस है या अदर साइट है उसके ऊपर जाकर बाइंड हो सकते हैं, जिसके कारण से जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं. तो ये डायरेक्ट कॉम्पिट ना कर नॉन कॉम्पिटिटिव है, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होते हैं. थर्ड प्रकार का इसमें जो थर्ड प्रकार का होगा वो आ जाएगा अन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के नाम से भी है, ये एंजाइम के साथ में तब तक बाइंड नहीं होता है
जब तक एंजाइम के साथ में क्या बाइंड हो, सबस्ट्रेट बाइंड ना हो। इसका मतलब ये केवल किसको टारगेट करता है, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो तो ये कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड होता है और कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड होकर उनको प्रोडक्ट बनने से रोकता है। तो ये यहाँ पर एक थर्ड प्रकार का है। और तीनों कैसे हैं, रिवर्सिबल प्रकार के हैं और ये एंजाइम के इनहिबिटर्स हैं। तीनों को अपन वन बाय वन अपन देखेंगे। और इनके साथ में जो एंजाइम काइनेटिक्स दी हुई है, जो वी मैक्स और जो केम है, उसको भी केम है, उसको भी अपन देखेंगे साथ साथ में इनकी ग्राफ प्लॉट की सहायता से। जैसे अपन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे इनके नाम से है कॉम्पिटिटिव। ये कॉम्पिट किसके साथ में करते हैं, ये कॉम्पिट करते हैं हमेशा सबस्ट्रेट के साथ में। दे आर कॉम्पिट विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ में ये क्या करते हैं, कॉम्पिट करते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रक्चर है, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के सिमिलर क्या रखते हैं, ये स्ट्रक्चर रखते हैं। इसके अलावा दे बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड होते हैं। जैसे ही अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ईजीली क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं या इजीली रिप्लेस कर दिया जाता है। दे आर रिप्लेस्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे अपन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही ये क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चरल कैसे होते हैं, सिमिलर प्रकार के होते हैं। जैसे ये कोई एंजाइम है, और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। अब अपन यहाँ पर बात करें कि एक तो सबस्ट्रेट है जो किस प्रकार का है, एक तो ये सबस्ट्रेट है, ये इजीली इसके अंदर आकर फिट हो सकता है। सेम इसी प्रकार का क्या होता है, इनहिबिटर होता है। ये इनहिबिटर है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये दोनों इसके अंदर क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये इनहिबिटर आकर बाइंड होता है, बाइंड होते ही अगर आप उस टाइम पर कौन से बॉन्ड के साथ में बाइंड होते हैं, पहली चीज़ तो ये वीक इंट्रैक्शन के साथ में बाइंड होते हैं। वीक इंट्रैक्शन के साथ में बाइंड होते हैं, इसका मतलब जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होने के कारण से इनहिबिटर्स क्या हो जाते हैं, वहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं और सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब अपन ये चीज़ कहें
कि इसकी जो वी मैक्सिमम है या वी मैक्स है उसके ऊपर किसी प्रकार का चेंजेज देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही बाइंड हुआ है तो इसको रिप्लेस किसने कर दिया? सबस्ट्रेट ने। सबस्ट्रेट के द्वारा इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसकी जो एंजाइम की वी मैक्स जहाँ ये पहुँचेगी, रिएक्शन होगी, उसकी वी मैक्स रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसी रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? एफिनिटी पे फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, एफिनिटी किसकी? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की। इनकी एफिनिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा क्योंकि बीच में कौन बाइंड हो रहा है? इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं एफिनिटी यदि कमज़ोर होती है तो एफिनिटी क्या होगी? इनकी वीक होगी। और जैसे ही किसी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ में एफिनिटी कम होती है तो उसे अपन कहते हैं कि KM क्या होगा? हाई होगा। KM इसका अधिक हो जाएगा और वी मैक्स है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बताया है। अब अपन इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है। इस एंजाइम का सपोज सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा है? मिथेनॉल है। जैसे मिथेनॉल है और मिथेनॉल को ये कन्वर्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड। जनरली अपन जानते भी हैं फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अपने लिए कैसा है? लिथल है, अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक है। सेम इसी का कॉम्पिटिटर जो है, जैसे मिथेनॉल है, इसी का कॉम्पिटिटर है वो कौन सा है? इथेनॉल है। इथेनॉल की एक्टिव साइट भी कौन सी है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ ही है। जो एक्टिव साइट इसकी है उसकी भी एक्टिव साइट कौन सी है? इथेनॉल की भी वही एक्टिव साइट है। इसका मतलब इथेनॉल जो है वो इसका क्या हो गया? कॉम्पिटिटर हो गया। किसका? मिथेनॉल सबस्ट्रेट का। तो यहाँ पर इथेनॉल जो है वो कन्वर्ट होगा अपना एसिटेल्डिहाइड और ये कैसा है? नॉन टॉक्सिक है नॉर्मल देखा जाए तो। थर्ड अपन देखें इनका कॉम्पिटिटर आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल और ये कन्वर्ट होता है एसीटोन के अंदर। ऐसी टोन के अंदर। और एंजाइम कौन सा है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और ये सभी एक दूसरे से क्या है? कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन जैसे ही एक के द्वारा दूसरी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो पहले वाला रिप्लेस हो सकता है। एक कंडीशन अपन कहें, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है पहले, कि अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति मिथेनॉल गलती से पी लेता है या मिथेनॉल पिया जाता है तो मिथेनॉल बॉडी के अंदर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड या
फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। फॉर्मिक एसिड क्या है अपनी बॉडी के लिए? लिथियल है या हानिकारक है। अगर उसी टाइम पर इसका अपन क्या डाल दें, कॉम्पिटिटर पिला दें उसको, और कॉम्पिटिटर क्या पिला देंगे उसको, इथेनॉल। अगर उसी टाइम पे उसको इथेनॉल पिला दिया जाए तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर मेथेनॉल की जगह पर क्या बाइंड होने लगेगा, इथेनॉल बाइंड होने लगेगा, और उसकी बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा एसिटाल्डिहाइड का, और फॉर्मिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण से उस व्यक्ति की डेथ नहीं होगी या उसे सेव किया जा सकता है। तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की। आगे अपन एग्जांपल देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा मेलोनेट। ये अगला एग्जाम्पल है, और मेलोनेट जो है किसके सिमिलर है, सिमिलर टू सक्सीनेट। ये सक्सीनेट के सिमिलर है, और सक्सीनेट को रिकॉग्नाइज कौन करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सक्सीनेट को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। तो सक्सीनेट जो है वो एक एंजाइम है, जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जैसे ही अगर इसके कंपटीशन में कौन आए, मेलोनेट आता है, तो मेलोनेट इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, रोक देता है, और ये इसका इनहिबिटर है। इसका मतलब मेलोनेट है इस रिएक्शन को रोक सकता है, और ये रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स को ये रिएक्शन देखने को मिलती है। और ये इसका मतलब अपन डायरेक्ट कहें कि मेलोनेट जो है वो किसको रोकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कॉम्प्लेक्स ETS के कॉम्प्लेक्स सेकंड को इनहिबिट करते हैं। इस प्रकार से ये इसको इनहिबिट करता है। दो एग्जांपल हो गए, मेलोनेट का हो गया। अगला एग्जांपल अपन देखें सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, इन सल्फा ड्रग्स को अपन कहते हैं सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ये सल्फा ड्रग्स हैं या सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं, जो एक प्रकार से अपन कहें मेडिसिन में इंक्लूड कर सकते हैं। ये क्या है, एक मेडिसिन है, ये जो है वो इफेक्ट करती है डाइहाइड्रो
डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज। इस एंजाइम के साथ में ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के रूप में वर्क करता है। जो ये जो एंजाइम है DHPS, ये किस में देखने को मिलता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। इसका मतलब अपन कहें कि ये जो सल्फा ड्रग्स है वो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है या उसकी ग्रोथ को रोकता है। जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अपन देखें कि फोलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है DNA सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर पी एमिनो बेंजोइक एसिड, ये एक सबस्ट्रेट के रूप में वर्क करता है, और ये यहाँ पर एंजाइम के रूप में और यहाँ पर बनता है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड का काम क्या है, DNA सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस किसमें, बैक्टीरियल सेल में। इसका मतलब अपन डायरेक्ट कहें कि कुछ जो सल्फा ड्रग्स हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है किसकी, इसकी पी एमिनो बेंजोइक एसिड की सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, और कॉम्पिटिटर स्ट्रक्चर किसके साथ में बाइंड हो सकती है, ये डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज इसके साथ में क्या होता है, एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकती है, जिसके कारण से फोलिक एसिड के फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन अपन बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। लेकिन एक जनरल कंडीशन में देखें तो ये ड्रग्स है वो इसकी फोलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकती है, जिसके कारण से DNA का सिंथेसिस नहीं होगा, और DNA का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। ब्लॉक बैक्टीरियल ग्रोथ या अपन कहें मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया का डिवीजन होना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि DNA का फॉर्मेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है। तो ये इफेक्ट किसका है, सल्फा ड्रग्स का इफेक्ट है। ये जो सल्फा ड्रग्स हैं वो वैसे देखा जाए है क्या, आर्टिफिशियल सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है। कैसी है ये सल्फा ड्रग्स, कैसे हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, और किस प्रकार के हैं, ये सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियली सिंथेटिक ड्रग्स हैं। इसमें अपन इनके एग्जाम्पल देखें, इस ड्रग्स के यहाँ पे इसके एग्जाम्पल आ जाएगा, एक तो सल्फोनाइल्यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया ये एक ड्रग है, सल्फो ड्रग्स का एग्जाम्पल है। अगला है थायोएजाइड, थायोएजाइड डाई यूरेटिक, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, सल्फा
ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के या बैक्टीरियल के मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये इसके बारे में हुआ, सल्फा ड्रग्स के बारे में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो आपके जो सीएसआईआर नेट है या किसी भी प्रकार की जो कंपटीशन है उसमें मोस्टली इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, या कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के ये जो एग्जाम्पल हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस प्रकार का जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार कॉम्पिटिटर है या किस प्रकार के एंजाइम के साथ में ये बाइंडिंग शो करता है, तो वो भी इसमें पूछा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल आ जाएगा मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट वैसे देखा जाए तो सेल डिवीजन को यूकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन को रोकता है, या फिर अपन कहें एंटी कैंसर। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज में लिया जाता है और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल या सेल की डिवीजन को ये क्या करता है, रोकता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, सेल की डिवीजन को रोकता है तो कहीं ना कहीं ये डीएनए के सिंथेसिस को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जैसे इसका जो टारगेट एंजाइम है वो आ जाएगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इस एंजाइम का ये क्या है, एक कॉम्पिटिटर है। ये क्या है एंजाइम, जो इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो वैसे देखा जाए तो क्या है, ये डाइहाइड्रोफोलेट को या इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो आ जाएगा अपना टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इसका सिंथेसिस करता है, या फिर अपन कहें इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। और टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसका फंक्शन क्या है, अपन डायरेक्ट कहें कि जो सेल के डिवीजन में जो डीएनए का सिंथेसिस होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर अपन डायरेक्ट कहें तो इसको जो नाइट्रोजन बेसिस है प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन के सिंथेसिस करता है। अब जनरल से अपन कंडीशन देखें कि इसका इफेक्ट किस प्रकार से देखने को मिला अपने को, मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो किसको किसके प्रति कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर तो है ये डाइहाइड्रोफोलेट। और एंजाइम कौन सा है, किसके साथ कॉम्पीट करता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ में कॉम्पीट करता है। और डाइहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलेट। अगर ये बाइंड होगा तो इसका फॉर्मेशन
नहीं होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन बेसिस का सिंथेसिस नहीं होगा प्यूरिन पाइरिमिडिन का, या मतलब अपन डायरेक्ट कहें डीएनए नॉट सिंथेसिस, और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो अपन कह सकते हैं सेल नॉट डिवाइड, सेल का डिवीजन नहीं होगा, जिसके कारण से कैंसर का क्या होता है ट्रीटमेंट हो सकता है। इस प्रकार से ये कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए भी यूज में ली जाती है। ये सभी एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जामों में ये चीज़ें पूछी जाती है, और सीएसआईआर में तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। अगला जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखें अपन, एमिनोप्टेरिन एक एंटीबायोटिक है जिसको अपन ने देखा भी था किसमें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एमिनोप्टेरिन किसको ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है डीनो पाथवे, और डीनो पाथवे किसका है डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसिस को भी ये क्या करता है ब्लॉक करता है, तो ये आ जाएगा एमिनोप टेरिन, जो भी क्या है एक कॉम्पिटिटर है। अब अपन इसका ग्राफ की तरफ देखें, अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का अगर अपन ग्राफ देखें तो जैसे इस प्रकार से यहां पर तो आ जाएगी अपनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगी अपना वी, जैसे यहाँ पर अपना अपन बात करें वी मैक्स। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करें ग्राफ को, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रिएक्शन की रेट है वो भी बढ़ती जाती है, और ग्राफ अपने को किस प्रकार का प्राप्त होता है, जैसे इस प्रकार का ग्राफ एक प्राप्त होता है। यहां पर अपन देखें यह आ जाएगा वीमैक्स, ये वीमैक्स है। इसका अगर अपन केएम देखें, हाफ वीमैक्स पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसकी हाफ वीमैक्स यहां पर लें अपन, वन अपॉन टू वी मैक्स, ये इसकी हाफ मैक्स है, और यहाँ से अपन ये देखें तो ये आ जाएगी इसकी के एम, और के एम किसे कहते हैं वी मैक्स की हाफ, वह हाफ वी मैक्स जिसके ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखने को मिलती हो, तो वो सबस्ट्रेट की हाफ कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी के एम कहलाएगी। के एम की एक विशेषता है, के एम जैसे ही ग्राफ के लेफ्ट साइड में बढ़ता है वैसे वैसे सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी बढ़ती जाती है, एफिनिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे के एम इधर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम की एफिनिटी कम होती जाती है। अब अपन पहला ग्राफ, ये तो एक नॉर्मल है, नॉर्मल ग्राफ, अब अपन देख रहे हैं इस नॉर्मल के रेफरेंस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर मैंने आपको बताया भी है पहले कि जो इनहिबिटर है बाइंड कहाँ पे होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट,
एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट का लेवल अपन बढ़ाते हैं तो इनहिबिटर क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। इसका मतलब अपन कहें कि रिएक्शन की रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिएक्शन की रेट के ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट है वो इनहिबिटर को इजीली रिमूव कर सकता है। तो यहां पर अपन कहें वीमैक्स तो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन इफेक्ट क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो बाइंड हो रहा है एंजाइम के साथ में वो एक प्रॉपर रूप से बाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर इनहिबिटर को उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं कि जो KM है, KM की एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, एफिनिटी कम होगी। और एफिनिटी यदि कम होगी तो मैंने आपको बताया भी है KM क्या होगा, बढ़ेगा, KM इंक्रीज होगा। तो दो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, KM बढ़ता है और Vmax कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अपन अगर ग्राफ बनाएं तो देखें अपन, ये कंडीशन आएगी, ये जो है वो आ जाएगी कॉम्पिटिटर वाली, जब इनहिबिटर प्रेजेंट हो। और यहां पर अगर इसकी अपन KM देखेंगे, इसकी KM अपन देखेंगे तो यहां पर इसकी KM आएगी, और KM यहां से क्या हो गई, बढ़ गई। पहले KM यहां पे थी और अब KM यहां पे है। दो कंडीशन इसमें देखने को मिली है आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। पहली चीज, Vmax में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो यहां पर पहली चीज Vmax कैसा है, अनअफेक्टेड। दूसरा, KM का जो वैल्यू है वो क्या हुई है, इंक्रीज। ये दो चीज़ें अपने को याद में रखनी है कि KM इंक्रीज हुई है, Vmax अनअफेक्टेड हुई है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी का अगर अपन दूसरा डायग्राम देखें, जैसे एंजाइम काइनेटिक्स की जो थ्योरी है उसी का जस्ट ऑपोजिट डायग्राम जो दिया गया था वो दिया था द लाइन वीवर बर्क। प्लॉट फॉर एंजाइम इनहिबिशन, ये एक अलग से इन्होंने ग्राफ दिया था। जिसका डायग्राम कैसा है, लीनियर डायग्राम लिया है इन्होंने, और वैल्यू को क्या किया है इन्होंने, हाफ वैल्यू को लिया है, जैसे 1/V या 1/Vmax, 1/-1/KM। इस प्रकार से इन्होंने एक वैल्यू को यूज में लेते हुए प्लॉट किया था। इसका अगर अपन प्लॉट देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तो यहां पर देखेंगे
इस प्रकार से ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें अपन जनरल कंडीशन के अंदर देखें ये तो आ जाएगा नॉर्मल प्लॉट। दूसरी चीज, इसकी के एम क्या करना है अपने को, के एम क्या हुई इसमें, के एम बड़ी है, के एम इसमें इंक्रीज हुई है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसकी माइनस वन अपॉन के एम, यह आ जाएगा इनहिबिटर। दोनों का जो वीमैक्स है वो दोनों का सेम रहेगा, वीमैक्स कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट जो देखा जाए इनका नीचे की तरफ, तो इफेक्ट किस में आएगा, के एम के अंदर आएगा। के एम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर के एम को अपन इंक्रीज दिखाते हैं, और यहाँ पर वन अपॉन वी, यहाँ पर वन अपॉन एस, यह आ जाएगा एस कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से ये दोनों ग्राफ इसके कंप्लीट होते हैं। अगला अपन देखेंगे दूसरा ग्राफ आ जाएगा, या दूसरा प्रकार का इनहिबिशन आ जाएगा, नॉट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसके नाम से है, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब जो इनहिबिटर हैं वो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होते हैं, या एक्टिव साइट के अलावा वो एंजाइम के कहीं पर भी बाइंड हो सकते हैं सरफेस के ऊपर। इसका मतलब अपन डायरेक्ट ही कहें कि के एम के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के एम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आगे अपन देखें पहली कंडीशन, इनहिबिटर नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर वो बाइंड नहीं होता है, वो एंजाइम की किसी भी सरफेस पर बाइंड हो सकता है। इनहिबिटर बाइंड टू अदर साइट ऑफ एंजाइम विथ वीक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन के साथ में बाइंड होते हैं, और एंजाइम की किसी भी साइट पर वो बाइंड हो सकते हैं अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा बाइंड होंगे। तो इसमें रिजल्ट अगर अपन देखे जाए इसी आधार पर कि अगर ये कंडीशन है कि एक्टिव साइट पे बाइंड है नहीं, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं है, तो के एम
किसी प्रकार का फ़र्क पड़ेगा क्या इसमें? के एम में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि के एम की एफिनिटी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो के एम कैसा होगा? कॉन्स्टेंट होगा। दूसरी चीज़, वी मैक्स की अगर अपन बात करें तो वी मैक्स कैसा होगा? क्योंकि बाइंड तो ये हुआ है, जैसे इस कंडीशन में है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, एंजाइम के साथ में पहले से ये क्या बाइंड है? इनहिबिटर बाइंड है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बनेगा? इस प्रकार कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम इनहिबिटर। और इस प्रकार का यदि कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वी मैक्स प्रॉपर रूप से नहीं बन पाएगी, या रिएक्शन जो है या प्रोडक्ट है वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाएगा, जिसके कारण से इसकी जो रेट है वो रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो वी मैक्स अपनी प्राप्त नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स फास्टली किसमें टूटना चाहिए? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूटना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट में टूटने के बजाय इसने क्या किया? इनहिबिटर के साथ में बाइंड हो गया, और प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? इस रेट को ही स्लो कर रहा है, स्लो कर रहा है। तो वी मैक्सिमम की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर अपन कह सकते हैं वी मैक्सिमम डिक्रीज। तो दो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, के एम तो कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो रहा है। दूसरा, एंजाइम को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण से जो रिएक्शन रेट है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी। तो वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आगे अपन इसका एग्जांपल देखें, या फिर अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखें। कंडीशन कौन सी रहेगी? के एम कॉन्स्टेंट, वी मैक्स डिक्रीज। तो यहां पर अपन ग्राफ को पुल आउट करें, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये वेलोसिटी। यहां पर इसकी वी मैक्स है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर अपन देखें इसका डायग्राम, ये तो है नॉर्मल कंडीशन, जो वी मैक्सिमम प्राप्त कर रहा है। लेकिन अगर इसकी इनहिबिटर कंडीशन देखें और इसकी के एम अपन देखें, ये इसका के एम आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन इसी का डायग्राम देखें, यह आ जाएगा इनहिबिटर। तो यहां पर इसका अगर अपन के एम देखें, दोनों का जो के एम है वो कैसा है? सेम है। तो यह आ जाएगा के एम। के एम इसका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये के एम कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज वी मैक्स। और इसका वी मैक्स नॉर्मल का कैसा होता है? अधिक होता है, इसकी वेलोसिटी अधिक है। तो ये जो ग्राफ आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन इम्पोर्टेंट है। के एम तो कॉन्स्टेंट रहेगा, वी मैक्स डिक्रीज होगी। ये डायग्राम अपन इसके अंदर देखें, लाइन वीवर के अंदर अगर ये अपन कंडीशन देखें,
तो KM कैसा है दोनों का? KM तो कांस्टेंट है और V मैक्सिमम क्या है? डिक्रीज है। तो यहाँ से अपन नॉर्मल देखें ये नॉर्मल कंडीशन है और ये इसका आ जाएगा KM अगर इसका अपन ग्राफ बनाएं KM दोनों का कांस्टेंट है और V मैक्सिमम वो क्या है? डिक्रीज है। V मैक्सिमम क्या होगा? डिक्रीज होगा और KM दोनों का रहेगा सेम। तो यहाँ पर अपन कंडीशन देखें V मैक्सिमम डिक्रीज और ये V मैक्स नॉर्मल, इसकी भी सेम कंडीशन आएगी कि अपन दोनों V मैक्स तो डिक्रीज होगी और KM कांस्टेंट। ये अपना ग्राफ आ जाएगा लाइन वीवर प्लॉट जिसका KM का क्या होगा? सेम होगा। इसके अपन एग्जांपल देखें साथ साथ कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के जो एग्जांपल है वो कौन से हैं। ये दोनों ग्राफ मैंने बता दिया आपको, जैसे नॉर्मल कंडीशन में अपन देखें एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहां पर बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में आकर बाइंड हो सकता है इनहिबिटर और एंजाइम के साथ में भी बाइंड हो सकता है इनहिबिटर। तो यहां पर ये कंडीशन आएगी एंजाइम इनहिबिशन और यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशन और यहां से अगर ये नॉर्मल कंडीशन में चलता तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये बीच में ही इस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। या फिर अपन यूं कहें कि ये एक एंजाइम है तो एंजाइम की एक्टिव साइट में तो अपन कहें ये एंजाइम आकर या कोई भी सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो गया, लेकिन जो इनहिबिटर है यहाँ पर आकर बाइंड होता है, जिसके कारण से एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्फर्मेशन में क्या करता है? थोड़ा सा चेंजेस करता है, जिसके कारण से अपना प्रॉपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जिसके कारण से V मैक्सिमम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका KM के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्टिव साइट किसके साथ बाइंड है? सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड है। एग्जाम्पल देखें जैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखें कि जैसे ही फॉस्फोइनोल
एक्यूमुलेट होता है या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो किसको कैटलाइज करता है? पाइरवेट काइनेज को कैटलाइज करता है। कैटलाइज पाइरवेट काइनेज। जिसके कारण से क्या बनता है? पाइरवेट बनता है। तो ये जो इफेक्ट किसको करता है? फॉस्फोइनोल कैटलाइज करता है पाइरवेट को। तो पाइरवेट एंजाइम जो है, पाइरवेट काइनेज एंजाइम, उसके ऊपर ये इनहिबिटर के रूप में या उसको कैटलाइज के रूप में काम करता है, जिसके कारण से वो फॉस्फोइनोल को कन्वर्ट करता है पाइरवेट में। किसके कंसंट्रेशन? फॉस्फोइनोल की कंसंट्रेशन। जैसे नॉर्मल कंडीशन, फिर कंडीशन में अगर अपन देखा जाए तो पाइरवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? एलेनिन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। और जो एलेनिन है उसकी अधिक कंसंट्रेशन होने के कारण से वो किसको रोक देगा? पाइरवेट काइनेज को ब्लॉक कर देगा। जैसे पाइरवेट काइनेज ने फॉस्फोइनोल को कन्वर्ट किया पाइरवेट को, पाइरवेट कन्वर्ट हुआ एलेनिन में, एलेनिन की कंसंट्रेशन अधिक हो गई, तो अधिक होने के कारण से इसकी जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये कौन सी मैकेनिज्म देगा? फीडबैक मैकेनिज्म देगा और अपने जो ऊपर एंजाइम है उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसे अपन कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि किसी भी रिएक्शन के जब प्रोडक्ट के द्वारा ही अपने एंजाइम को बैक में जाकर उसके ब्लॉक कर देना, उसे अपन क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और वो कंडीशन कब होती है? जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वो प्रोडक्ट ही उसी एंजाइम को जाकर ब्लॉक कर देते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन को कम रखा जाए, आवश्यकता से अधिक बन गई है। तो इस प्रकार की ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो किस प्रकार का शो करता है? फीडबैक मैकेनिज्म भी शो करता है। आगे अपन इसका एग्जांपल देखें। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनहिबिट करता है किसको? हेक्सोकाइनेज को। हेक्सोकाइनेज को इन ब्रेन। ये भी कैसी है? फीडबैक मैकेनिज्म है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जैसे ग्लूकोज, यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा हेक्सोकाइनेज और यहाँ पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अगर इसका लेवल आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ये प्रोडक्ट ही इसको जाकर क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ये भी किस प्रकार का है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रकार का है कि डायरेक्ट एक्टिव साइट पर बाइंड ना होकर अदर साइट पर आकर बाइंड होता है, जिसके कारण से रिएक्शन रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। और बैक जाके कर रहा है, इस रिएक्शन को अपन कह सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन। ये इसके एग्जाम्पल आ जाएगा। आगे अपन एग्जाम्पल देखें। जैसे कुछ एंजाइम है CYP2C9। ये एक एग्जाम्पल है एंजाइम का जिसे अपन कह सकते हैं साइटोक्रोम P450
जो अपन साइटोक्रोम 450 अपन एग्जांपल पढ़ते भी हैं, जो एक्टिविटी करता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, जिसमें आ जाएगा साइटोक्रोम P450। फैमिली टू और सब फैमिली मेंबर 9, ये एंजाइम है CYP2C9 एंजाइम। इसके जो इस एंजाइम के इनहिबिटर अपन देखें, कौन से इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर अपन बात करें तो वो आ जाएगा निफेडिपाइन, इसके अलावा ट्रानलाइ ट्रानिल सिप्रोमाइन ये इसके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। इसके अलावा 6-hydroxyflavone, ये तीनों क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं, किसके, CYP2C9 एंजाइम के। तो ये अपना हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और लास्ट में थर्ड प्रकार का जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये थर्ड प्रकार का है। इसमें डायरेक्ट है कि अपन कहें कि जो इनहिबिटर है वो नॉट बाइंड टू फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम के साथ में बाइंड नहीं हो सकते और ना ही एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ही बाइंड हो सकते हैं। ये तभी बाइंड होते हैं जब एंजाइम किसके साथ में हो, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना चुका हो उसके साथ में ये बाइंड हो सकते हैं। जैसे अपन देखें इसके ये एंजाइम, या अपन कहें ओनली बाइंड टू कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट और एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के साथ में ही ये बाइंड हो सकते हैं। जैसे ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की रिएक्शन है जिसके कारण से एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ से K2 से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट नॉर्मल कंडीशन में बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन कहें यहाँ पे क्या बाइंड हुआ है, इनहिबिटर बाइंड हुआ है जिसके कारण से
K3 माइनस K3 और यहाँ पर आ जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। और इसके कारण से रिजल्ट में क्या होगा, पहली चीज इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनको छोड़ेगा नहीं, एंजाइम और सबस्ट्रेट को ये क्या करेगा टाइट बाइंड के रखेगा, क्योंकि बाइंड कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बाइंड हुआ है, जिसके कारण से एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी क्या कर दी इसने, अधिक कर दी, मतलब इसको टाइट बाइंड कर लिया, टाइट बाइंड करने के कारण से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि अपन जानते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में एक लूजली बॉन्ड से बाइंड होता है जिसके कारण से वो इजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर लिया टाइट रूप से बाइंड कर लिया। और यदि किसी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी अधिक होती है तो उसके उससे अपन क्या कहते हैं KM क्या होगा डिक्रीज होगा, हाई एफिनिटी KM कम होगा। दूसरी चीज प्रोडक्ट बनने नहीं दे रहा है, अगर प्रोडक्ट नहीं बनने दे रहा है तो Vmax अपनी Vmax प्राप्त नहीं कर पाएगा रिएक्शन, तो Vmax कैसा होगा, Vmax भी कैसा होगा डिक्रीज होगा। तो यहां पर दोनों कंडीशन देखने को मिलती है कि KM भी डिक्रीज हो और Vmaximum भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इसका अपन एग्जांपल देखें, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है वो इनहिबिट किया जाता है इनहिबिट बाई टर्शियरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन्स, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटेड बाय टर्शियरी एमाइन्स, जिसके कारण से जो एसिटाइल कोलिन है नॉट ब्रेक एसिटाइल प्लस कोलिन, जिसके कारण से एसिटाइल और कोलिन के अंदर डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका अपन एग्जांपल अब अपन ग्राफ देखते हैं लास्ट इसके अंदर कि किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। कंडीशन अपने सामने है KM भी कम होगी, क्यों एफिनिटी अधिक है, रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट स्लो बनेगा, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगी। इसका अपन ग्राफ देखें, जैसे ये सबस्ट्रेट, यहां पर अपन देखें Vmax, यहां पर हाफ Vmax और ये वेलोसिटी। ग्राफ अपन इसका जनरली देखें, ये वी मैक्सिमम और ये नॉर्मल कंडीशन, ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर अपन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ अपन इसके ऊपर शो करें तो दोनों कंडीशन ही कैसे आएगी,
ये कंडीशन देखें अपन, या फिर अपन कहें ये इसकी वीमैक्स है, और यहाँ पर अपन ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पर ही आ जाएगा इनहिबिटर। अब नॉर्मल कंडीशन में देखें वी मैक्सिमम ये अपना नॉर्मल केएम है, ये नॉर्मल केएम, जबकि इसका केएम यहाँ से आएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में केएम इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया नॉर्मल के कंपेयर, ग्राफ की साइड में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, और ग्राफ यदि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो एफिनिटी बढ़ती है। वी मैक्स कैसी है, वी मैक्स भी कम है और केएम भी कैसी है, कम है। तो ये ग्राफ आ जाएगा अपना अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। यदि इसी का अपन लीनियर वीवर ग्राफ देखें तो इसमें दोनों कम आएगी, केएम भी कम आएगी और वीमैक्स भी कम आएगी। जैसे यहाँ पे अपन देखें ये नॉर्मल ग्राफ है, जबकि वीमैक्स का देखें यहां पर ये इनहिबिटर है। वीमैक्स भी कैसा है, डिक्रीज हो गया, और यहां पर जो केएम है ये भी कम हो गया नॉर्मल के कंपेयर। तो इस प्रकार से दो कंडीशन देखने को मिलती है यहां पर, वी मैक्स डिक्रीज, KMB डिक्रीज, ये कंडीशन अपने को जरूर याद रखनी है। तो इस प्रकार से अपने जो एंजाइम इनहिबिशन के रिवर्सिबल इनहिबिशन है वो कंप्लीट होते हैं। तो सभी फ्रेंड्स से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और किसी भी प्रकार के कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।